So this is your exercise 5.2, question number 7. In question number 7, we are having find the 31st term of an AP. Find the 31st term of an AP means I have to find out A31. और मुझे इसके साथ साथ क्या गिवन है? In this I am given the whose 11th term is 38. 11th term is 38 and the 16th term is 73. 16th term A16 I am given this to be 73. तो मुझे निकालना क्या है यहाँ पे? A31, 31st term I have to calculate. I am given the 11th term as 38 and 16th term as 73. जब इस तरह के questions आते हैं तो these are very simple questions. Nothing we are to do. Just simply use the formula and solve the equations and get our answer. So here this implies 11 है तो 1 power less कर देंगे d के साथ 1 value less कर देंगे तो a plus 10d equal to 38. Here this is 16, तो A16 means A plus 15D. तो A plus 15D is equal to 73. दो equations आ गई मेरे पास. दोनों equations को solve out करो जैसे आपने chapter 3 में किया था. Using any of the desired method you can do. यहाँ पे क्योंकि मुझे clear cut दिख रहा है कि coefficient of A दोनों same है, तो मैंने इनको minus कर दिया. A वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी. Here you are having minus 5d equal to minus this is 25. So d is equal to 5. यहाँ पे 35 आएगा. D is equal to 7. नेगेटिव साइंस आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे. So the value of d जो आएगी आपकी that will be 7. अब आपके पास d 7 आ गया. Now, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो डी की वैल्यू तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए. यूजिंग डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1 तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38. ए प्लस 70 इज इक्वल टू 38. A is equal to 38 minus 70. So this is equal to minus 32. A की value आ गई मेरे पास minus 32. So A आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास. अब हमने क्या find out करना है? We are to find the 31st term. 31st term हमने निकालने हैं. So that is A plus 30D. A है, D है. Put the values and get your माइनस 32 प्लस 210 दैट इज 178. सो 31st टर्म आ गई मेरे पास 178. सो दिस इज योर आंसर. कुछ मुश्किल नहीं था इसमें आपका. 31st टर्म आपको निकालनी थी. 11th टर्म आपको 38 गिवन है. आपकी 16th टर्म आपको 73 गिवन है. 11th टर्म का मैंने फॉर्मूला यूज किया a प्लस 10d. 16th टर्म का मैंने फॉर्मूला यूज किया a प्लस 15d इक्वल टू वैल्यूज आपको गिवन थी. दोनों इक्वेशंस को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. d मेरा आ गया 7. d की ये वैल्यू 7 मैंने इक्वेशन 1 में पुट की. यहां से मुझे a की वैल्यू मिल गई. नाउ वंस आई हैव गॉट a एंड d आई कैन फाइंड आउट एनी टर्म ऑफ द गिवन ap. तो मुझे 31st टर्म निकालनी थी. 31 था यहां पे आपका. तो यहाँ पे a प्लस 1 लेस यानी कि 30d आ गया. पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. अब आपको गिवन है कि एक एपी में 50 टर्म्स हैं टोटल. द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी दैट इज गिवन बाय n. क्वेश्चन नंबर 8 योर होमवर्क पार्ट ऑल्सो. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स यानी कि एन की वैल्यू मुझे गिवन है 50. उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. थर्ड टर्म इज 12 मींस ए प्लस 2d की वैल्यू मुझे गिवन है 12. थर्ड टर्म मींस a3. a3 को हम किससे डिनोट करते हैं? a प्लस 2d से. तो दैट इज गिवन टू बी 12.
एंड द लास्ट टर्म इज 106. लास्ट टर्म हम हमेशा nth लेके चलते हैं, तो दैट इज गिवन टू बी 106. सो फाइंड द 29th टर्म. अब यहां पे ध्यान दो, ध्यान से देखना इस चीज को. मुझे गिवन था एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. यहां वो कह रहा है कि लास्ट टर्म इज 106. इट मींस अगर एक एपी में टोटल आपके पास 50 टर्म्स हैं, तो योर लास्ट टर्म विल बी ए 50. सो आई होप दिस इज क्लियर. फर्स्ट लाइन में उसने मुझे कहा कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. तो मैंने एन को ले लिया 50, कि टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 50 है. नेक्स्ट आगे वो मुझे कह रहा है कि एंड द लास्ट टर्म इज 106. तो अगर एक एपी में टोटल टर्म्स मेरे पास 50 हैं, तो लास्ट जो टर्म है दैट विल बी ए 50 ओनली. तो ए एन को मैंने रिप्लेस कर लिया ए 50 से. यानी कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए प्लस 49 डी की वैल्यू मुझे 106 गिवन है, ए प्लस 2 डी की वैल्यू मुझे 12 गिवन है, ए 29 मुझे निकालना है. अब आपका ये क्वेश्चन बन गया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह. So you will simplify this yourself. You will solve the equations 1 and 2. Find out the value of A and B. Once you have got the value of A and D, you can easily find out the value of A 29. A 29 means A plus 28 D. So in dono equations ko aap simplify karoge. A ki value nikaloge, D ki value nikaloge. A aur D ki value aap yahan pe put karoge. So you will get your answer. See the question again. You are given here an AP consists of 50 terms, of which the third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. AP consists of 50 terms matlab aapko total number of terms n 50 given hai. Third term aapko 12 given tha. Third term is denoted by a plus 2d. So a plus 2d equal to 12 aa gaya. लास्ट टर्म वॉज 106, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 था, यानी कि ए 50 आपको 106 गिवन था. ए 50 यानी कि ए प्लस 49 डी आ गया आपके पास 106. दो इक्वेशंस आ गई आपकी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी. ए और डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर देखो. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अगेन सेम ऐसी ही चीज गिवन है. इफ द थर्ड टर्म ऑफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8 रिस्पेक्टिवली. रिस्पेक्टिवली वर्ड आ गया, मतलब पहले वाले के साथ लिंक्ड है, दूसरे वाला दूसरे से लिंक्ड है. यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू मुझे 4 लेके चलनी है क्योंकि दोनों पहले गिवन है, और नाइन्थ टर्म की वैल्यू मुझे माइनस 8 लेके चलनी है क्योंकि दोनों बाद में गिवन है. तो ए 3 4 हो गया और ए 9 माइनस 8 हो. दो इक्वेशंस बन गई, ए 3 यानी कि ए प्लस 2d और ए 9 यानी कि ए प्लस 8d. अगेन दोनों इक्वेशंस आप इनको सिंप्लीफाई करके ए और डी की वैल्यूज निकाल लोगे. यहां से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका डी आएगा माइनस 2 और ए आएगा आपका 8. आई होप यू विल बी एबल टू डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ. इनको आप सिंप्लीफाई कर लेना. डी माइनस 2 पुट करोगे तो ए आ जाएगा 8. तो यहां तक वाला वही सेम प्रीवियस वाला मेथड था. अब आगे ध्यान से देखो, विच टर्म ऑफ द दिस एपी इज 0. कल भी आपको मैंने बताया था कि जब हमारा क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू विच टर्म ऑफ द एपी इज 0. विच टर्म ऑफ द एपी इज 0 मींस हम क्या मान लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी इज 0. ठीक है, सेम क्वेश्चन हमारा चल रहा है. सेम क्वेश्चन में उसने पहले ये दो कंडीशन हमें दी थी,
फिर आगे वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म जो भी हमारी कंडीशन गिवन होती है वो हम nth टर्म के लिए ले लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन थी, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो ए एन इक्वल टू जीरो मैंने लेट कर लिया कि लेट द nth टर्म इज जीरो। अब nth टर्म क्या होती है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो इसको मैंने जीरो पुट कर दिया, ए है डी है आई कैन फाइंड आउट एन, ए इज एट, एन मुझे निकालना है, डी मेरे पास माइनस टू है, तो दिस इज एट आपका उधर चला जाएगा, सो दिस इज एन माइनस वन माइनस एट अपॉन माइनस टू, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस टू, इधर आके डिवाइड करेगा, एन माइनस वन इक्वल टू फोर, एन इज इक्वल टू फाइव, यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज जीरो, सो दिस इज योर आंसर। दोबारा देखो, हमें गिवन था द थर्ड टर्म ऑफ द एपी एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर फोर एंड माइनस एट रिस्पेक्टिवली, थर्ड टर्म मैंने फोर ले ली, नाइन्थ टर्म मैंने माइनस एट ले ली, दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया, ए और डी की वैल्यू आ गई, उसके बाद उसने कहा था विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो, तो लेट द nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, nth टर्म यानी कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a और d की वैल्यूज मेरे पास हैं, ये पुट करके वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ n, n आपके पास इंटेग्रल वैल्यू आ रही है, तो इट मींस जो भी इंटेग्रल वैल्यू यहाँ पे आ रही है वही टर्म आपकी जीरो होगी। इन केस अगर यहाँ इंटेग्रल वैल्यू आपकी नहीं आती है, n की वैल्यू इंटेग्रल नहीं आती है, तो यू विल राइट डाउन द आंसर एज नो टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो, बट क्योंकि यहाँ पे n इक्वल टू फाइव एक इंटीजर आ रहा है, तो आई विल राइट डाउन फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। अगर ये क्वेश्चन इस हिसाब से होता कि आपकी यहाँ पे वैल्यू n की इंटीजर नहीं आती, फ्रैक्शन में आती, कोई रैशनल नंबर आता, तो यू वुड हैव रिटन सिंस n इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर नो टर्म ऑफ दिस एपी विल बी जीरो। So this is your question number 9. Now moving on to question number 10. This is again your homework part. I will give you the hint of this question. अब देखो question 10 में वो क्या कह रहे हैं? The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. 17th term जो है एक एपी की, वो उसकी 10th term से 7 exceed कर रही है, यानी कि 7 ज्यादा है, यानी कि हमें क्या गिवन है, a 17 minus a 10 is equal to 7. 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, यानी कि difference between 17th and 10th term is 7, or you can write it down in this way also. 17th term exceeds है, कितना exceed कर रही है, 7, किससे exceed कर रही है, 10th term से, तो जब आप इस a 10 को इधर लेके जाओगे तो same equation आपकी बन जाएगी। Now put the value of a 17, that is a plus 16d, put the value of a 10, that is a plus 9d, and this is equal to 7. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, a वाली टर्म्स आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d, उसके बाद आप d आ जाएगा आपके पास, तो आपको कॉमन डिफरेंस ही उन्होंने इसमें पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, सो दिस इन दिस वे यू विल सिंप्लीफाई, सो आई होप दिस इज क्लियर। आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या कंडीशन गिवन थी कि जो 17th टर्म है एपी की वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रही है, तो इट मींस कि डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इज 7, इनकी आपने वैल्यूज पुट कर दी और ए आपका कैंसिल आउट होके यू विल बी लेफ्ट विद डी ओनली, और डी ही उन्होंने आपने आपसे पूछा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन its 54th term, which term of the AP will be 132 more than its 54th term? अब कौन सी टर्म जो है given AP की 54th term से 132 ज्यादा होगी,
तो इट मींस पहले मुझे 54th टर्म निकालनी पड़ेगी, जब मुझे वो वैल्यू मिलेगी देन ओनली आई विल बी एबल टू फाइंड आउट एन. तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, जो मुझे गिवन एपी है उसमें 54th टर्म जो है वो निकालनी पड़ेगी. तो जो गिवन एपी है मेरे पास दैट इज 315, 27, 39. 12 का डिफरेंस है, यू कैन सी क्लियरली. ए मेरे पास गिवन है 3, बी डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज 12, ए है डी है. विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. तो मैंने मान लिया विच टर्म था, मैंने मान लिया nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म. तो यहाँ ये चीज मैंने मान ली कि nth टर्म है, क्योंकि आपको मैं अभी तक ये बताती आ रही हूँ. जब वो आपसे पूछ रहे हैं विच टर्म इज, जो भी कंडीशन गिवन है उस टर्म के लिए, वो हम nth टर्म के लिए मान लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे मान लिया an, nth टर्म जो है मान ली कि दैट इज 132 मोर देन द 54th टर्म. तो अब मोर देन 54th टर्म ले रही हूँ, तो जब तक मुझे 54th टर्म नहीं पता आई कैन नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एन. तो सबसे पहले काम मुझे क्या करना पड़ेगा, ए 54 निकालना पड़ेगा. सो ए 54 यानी कि ए प्लस 53 डी, ये वन लेस ले लिया. अब वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो. तो 54th टर्म आ गई मेरे पास 639. तो इट मींस अब nth टर्म की वैल्यू मैंने ले ली 639 प्लस 132. तो ये मेरे पास आ गया 771. यानी कि अब मुझे निकालना है किस टर्म की वैल्यू जो है मेरी वो 771 बनेगी. तो nth टर्म a है d है, nth टर्म है, आई कैन फाइंड आउट n. वैल्यूज ले लो. ए आपका है 3, एन मुझे नहीं पता, डी है 12. सो दिस इज 771 प्लस 3 था, इधर आके माइनस 3 होगा. दिस इज एन माइनस 1 इंटू 12, दिस इज 768. ये 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा. सो यहाँ से आपकी एन माइनस 1 की वैल्यू आ गई 64. तो आपकी n की वैल्यू आ गई 65. n 65 यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहे, इट मींस 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म. 65th क्योंकि n मेरा 65 आया है, तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे 65th टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म. दिस यू विल राइट डाउन. And then you will write it down. 65th term is 132 more than 54th term. So maine yahan likh diya A 54. So this was your question number 11. Sabse pehle aapne kya kiya? Question mein unhone kaha tha which term is 132 more than 54th term. तो A 54 more था तो plus 132, और ये term मैंने मान लिया कि this is the nth term. तो यहाँ पे values put की, an is equal to a plus n minus 1 into d formula लगा दिया. अब a और d हमने कैसे calculate करने है, वो हमें क्योंकि ap given है तो we can directly calculate this. तो a आ गया 3, d आ गया the difference between the two consecutive terms. उसके बाद a 54 हमने निकाल लिया एंड वैल्यूज पुट करके यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपीज हमें गिवन है, कॉमन डिफरेंस सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100. दोनों की जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है. So what is the difference between their 1000th terms? 100th terms का difference given है, common difference हमें दोनों में given है कि that will be same. तो हमें 1000th terms के बीच में जो difference है वो
निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दो एपीज मान लेंगे जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम लेके चलेंगे, बट जो एपीज हैं वो हम डिफरेंट लेके चलेंगे। सो लेट द फर्स्ट एपी जो है दैट इज डिनोटेड बाय A1, A2, A3 एंड सो ऑन अप टू AN। सेकंड एपी जो है दैट इज डिनोटेड बाय B1, B2, B3 एंड सो ऑन अप टू BN। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। Let the first AP A1, A2, A3 and so on up to AN. Second AP भी इसी तरीके से हम assume कर लेंगे। B1, B2, B3 and so on BN. Common difference दोनों का हमें same given है। तो इसको भी मैंने D से डिनोट कर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100। डिफरेंस इन दोनों की 100th टर्म्स का वो मुझे गिवन है 100। तो A 100 ले लिया मैंने, दैट इज A प्लस 99D और A1 है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाली एपी का मैंने 100th टर्म B 100 हो जाएगी, so that will be B1 plus 99D. Common difference B है, first term इसकी A1 है, इस वाली AP की B1 है, तो first term plus 99D, this plus 99D. Now the difference between these two terms is given to be 100. तो मैंने क्या किया, दोनों को minus कर दिया। So this is A 100 minus B 100. That is equal to A1 minus B1. दोनों की 100th terms में difference किससे denote हो रहा है, A1 minus B1 से। और ये हमें कितना given है, this is given to be 100. So I hope this is clear कि difference between the 100th terms of both APs is given to be 100. तो आपका ये D वाली terms cancel out हो गई, A100 minus B100, this is the difference between 100th terms. तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या आ गई, 100। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। सो डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म्स यानी कि A1000 दैट विल बी डिनोटेड बाय A1 प्लस 990D, देन B1000 दैट विल बी डिनोटेड बाय B1 प्लस 999D। तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इज A1000 माइनस B1000 दैट इज इक्वल टू A1 माइनस B1, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A1 माइनस B1 दिस वैल्यू इज गिवन टू बी 100, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यूजिंग 1 A1000 माइनस B1000 दिस इज इक्वल टू 100, यानी कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स विल ऑल्सो बी 100। तो ये चीज का आपने ध्यान देना है, जब हमें कोई भी दो एपीएस गिवन होती हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, तो जो उनकी फर्स्ट टर्म्स का डिफरेंस होता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द टर्म्स। कोई भी आप उनकी टर्म निकाल लो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उनका सेम है, तो वो इंक्रीमेंट जो हो रहा है हर टर्म का वो सेम नंबर से हो रहा है दोनों एपीज में। इट मींस कि अगर मैं एक एपी लेके चलती हूँ, मान लो 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, दूसरी जो एपी है अगर मैं वो लेके चलती हूँ 12, 14, 16 एंड सो ऑन, तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, तो जो मर्जी हम टर्म इन दोनों की ले लें, हमारा जो इनका डिफरेंस होगा दैट विल ऑलवेज बी सेम। यू कैन सी 12 माइनस 4 डिफरेंस इज 8, तो हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 8 होगा, क्योंकि दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसको चेक करो, 14 माइनस 6 इज 8, इसको चेक करो 16 माइनस 8 इज 8, नेक्स्ट टर्म आप चेक करोगे 18 माइनस 10 इज 8, जहां मर्जी आप ये डिफरेंस ले लो, दिस डिफरेंस विल ऑलवेज बी
same. Yes, anyone else is having any doubt? You can ask. Otherwise, we will move on to question number 13 now. This is again your homework part. You are to do this question in your homework. Here you can write down given, ताकि आपको बाद में कोई confusion ना हो. A1 minus B1, difference between जो है, its 100th terms is given to be 100. A 100 minus B 100 की value हमें 100 given थी. इसीलिए इस A1 minus B1 को मैंने किससे equal put किया है 100 के. So this was your question number 12. Now moving on to question number 13. In question number 13, we are having how many 3-digit numbers are divisible by 7? कितने 3-digit numbers जो हैं वो आपके 7 से divisible हैं? So 3-digit numbers, you know that start from 100. Check the numbers. 100 not divisible by 7. 101 not divisible by 7. 102 not divisible by 7. Check करके देख सकते हो आप. 101, 102, 103, 104, 105 जो है first number आपका बनेगा that is divisible by 7. So numbers divisible by 7 are, this is question number 13. Numbers divisible by 7 are, और numbers कौन से हैं ये 3-digit numbers. तो 100 से 999 ये आपके सारे 3-digit numbers बनते हैं. तो हम check कर लेंगे. Common difference हमें पता है क्योंकि divisibility by हम 7 check कर रहे हैं. तो first number मेरा बना 105. अगला बन जाएगा 112. Then 109 and so on. Now we are to check the last number. 999. That is not divisible by 7. Check previous number 998, again not divisible by 7. Check the previous number 997, not divisible by 7. Phir aur piche aao. So you will see here that 994 jo hai aapka, that is divisible by 7. So 994 jo hai wo aapka divisible hai. So ye ban gayi meri AP series. Common difference is 7, A is 105. Last term is 994. So what I have to find out? I have to find the number of terms. Kya kaha usne? How many 3-digit numbers? Number of 3-digit numbers nikalne hai divisible by 7. To maine kya kiya? Sare jo aapke 3-digit numbers divisible by 7 the, wo likh liye. This will form an AP क्योंकि 7-7 का difference है यहाँ पे. तो A आ गया, D आ गया, AN is the last term और N की value मुझे निकालनी है. So you will use this formula and this question you will complete yourself. ये निकालना है, ये तीन चीजें आपको given है, तो complete करोगे आप खुद. Mark this as your homework part. Question number 8, 10, 12 and 13. These are your homework parts. Moving on to question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? Bilkul same question hai isi tarike se. Bas yahan pe ye dhyan rakhna hai aapko ki how many multiples of 4 lie between 10 to 250. Jab question mein between word aa jate, तो जो ये वाले नंबर्स हैं इनको हम छोड़ देते हैं, चाहे वो डिविजिबल है चाहे नहीं है. इनको आपने लेके नहीं चलना जब आप अपनी एपी फॉर्म करोगे. अब यहाँ पे तो वो डिविजिबल है ही नहीं है. 10 भी डिविजिबल नहीं है 4 से, 250 भी डिविजिबल नहीं है 4 से. तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट जहां पे बिटवीन है, बिटवीन मतलब उसके बीच के नंबर्स आपने लेनी है. तो आपने 10 को नहीं लेना अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता, 250 को नहीं लेना अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होता. यहाँ पे कोइंसिडेंटली वो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं कर रहे हैं तो हम उनको छोड़ देंगे. तो फर्स्ट नंबर हमारा डिविजिबल बाय 4 विल बी 12. देन प्लस 4 करते जाओ, आपके नंबर्स निकलते आएंगे.
250 नॉट डिविजिबल बाय 4, लास्ट टू डिजिट्स आप चेक कर सकते हो, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, डिविजिबिलिटी रूल हमने लगा सकते हैं यहाँ पे 4 का, तो नेक्स्ट विल बी 249, अगेन नॉट डिविजिबल, तो लास्ट नंबर जो आपका आएगा दैट विल बी 248. इट मीन्स अब मुझे इनका नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो निकालना है. सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो ये आपने खुद करना है. सो क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, वन मोर थिंग यू कैन डू, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका है, कंप्लीट दिस क्वेश्चन इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ओनली, और ये 14th आप होमवर्क पार्ट ले, दिस यू विल डू योरसेल्फ. एपी मैंने आपकी बनवा दी है, नंबर्स लेने थे आपको 10 से 250 के बीच में, विच आर डिविजिबल बाय 4, तो 12, 16, 24, 4 के गैप पे आ गए. लास्ट नंबर 250 डिविजिबल नहीं था, उससे पहले वाला नंबर 249 डिविजिबल नहीं था, उससे पहले वाला नंबर 248 डिविजिबल था, तो एपी का लास्ट नंबर आ गया हमारा 248. ये मेरी एपी बन गई. फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस वी विल फाइंड आउट, लास्ट टर्म गिवन है, आई हैव टू फाइंड आउट एन. सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, दिस यू विल डू इन योर होमवर्क नोटबुक, दिस क्वेश्चन यू आर टू कंप्लीट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ओनली. सो क्वेश्चन नंबर 8, 10, 12 एंड 14 आर योर होमवर्क पार्ट्स. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो. If any doubt is there, I can see two hands raised. Just